ब्रेसेस के साथ ब्रश करने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन अगर ब्रेसेस के साथ सही तरह से ब्रश करने का तरीका सीखा जाए तो दांतों और मसूड़ों को ब्रेसेस के दौरान होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। ब्रेसेस लगे रहने से ठीक तरह से ब्रश नहीं होती, जिसकी वजह से ब्रेसेस के चारों तरफ काफ़ी प्लाक जमा हो जाता है और प्लाक ठीक से साफ न होने की वजह से मसूड़ों में भी लालपन और स्वेलिंग बनी रहती है, जिसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरह से ब्रेसेस के दौरान ब्रश करना है। ब्रश को ब्रेसेस के ऊपर इस तरह से क्लीन करेंगे जिससे ब्रेसेस के आसपास जमा हुआ प्लाक हट जाए। ऑक्लूजल सरफेस, जहां से खाना चपता है, उसे भी ब्रश से साफ करेंगे। दांतों के सभी सरफेस पर ब्रश करना है। दो ब्रैकेट के बीच वाली स्पेस को इंटरडेंटल ब्रश से इस तरह साफ करेंगे। इससे दो ब्रेसेस के बीच से प्लाक हटता है। सुबह और रात को सोने से पहले ठीक इसी तरह ब्रश किया जाए तो ब्रेसेस के साथ भी टीथ और गम्स को हेल्दी बनाया जा सकता है। थैंक यू।